गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आपके बीच में आपके फेवरेट टीचर मुकेश मौर्या जी आए हुए हैं। तो एक नए टॉपिक के साथ वी विल स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन बोर्ड के आधार पर यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आपके बीच में लेकर के मैं आया हूँ। देखिए, क्या नाम है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। इट इज कॉमन चैप्टर से चैप्टर एट क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th, दोनों क्लासेस के ये सिमिलर टॉपिक होता है। How do organism reproduce? Organism reproduce कैसे करते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे हम यहाँ पे। देखिए, बहुत अच्छे से समझिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है आपके बीच में। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि organisms के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसको जानने से पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्यों होता है। बिकॉज फॉर द एग्जिस्टेंस on the earth, every organism has capacity to produce their own kind. अपने ही जैसे लोगों को produce करने की क्षमता होती है। आपको definition में देखेंगे यहाँ पर, reproduction is a biological process by which organism produce another organism similar to itself. यानी यहाँ पर ये बताया गया जा रहा है कि reproduction एक प्रकार का biological process है जिसमें कोई भी organism अपने जैसे अपने प्रारूप को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। तो दैट विल बी द रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ को सरवाइव करने करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अब हम बात ये करना चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे क्या होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन इज द ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ टू नेचुरल डेथ तक की जो ड्यूरेशन होती है उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। इस लाइफ स्पैन में ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है और मर जाता है। तो दिस इज द लाइफ स्पैन। तो वन थिंग ऑल्सो हियर द रिप्रोडक्शन। तो फर्स्टली हाउ द रिप्रोडक्शन इज डिफर्स, हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर कैसे होता है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स। One is the asexual reproduction, other is the sexual reproduction. I am here explaining only the asexual reproduction. In the next video, I will discuss about the sexual reproduction. So, बात करते हैं asexual reproduction के बारे में। क्या होता है? When only one parent involving, केवल एक parent involved होगा, तो that type of reproduction is the asexual reproduction. और इसके अंदर difference क्या होता है? कि there is no formation of gametes. No formation of gametes and transfer of the gametes, fusion of the gametes नहीं होने वाला जहाँ पे है। केवल एक parents के body part से किसी दूसरे parents, किसी दूसरे organism को produce कर दिया जाए। देखो यहाँ पे uniparental without gamete formation, uni का मतलब केवल एक ही parents के समय involve होगा and वो और दूसरा parents में यहाँ पे need नहीं है and offsprings are the exact copy of the parent। ये बात कोई वेरिएशन नहीं होता और किसी भी प्रकार का यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता। नो जेनेटिक एक्सचेंज टेक्स प्लेस, दैट्स व्हाई द ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर फ्रॉम द पेरेंट्स। हेंस द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज क्लोन्स। क्लोन का मतलब एग्जैक्ट कॉपी। इसलिए इसके द्वारा प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको क्लोन कहा जाता है। अब आइए अपन बात कर लेते हैं कि ये क्यों, इसमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है। माइटोसिस is an essential for the sexual reproduction. Mitosis का मतलब when the cells divide from the similar structure and function. एक similar cells produce करता है, multiplication होता है cells का। इससे इसको mitosis यहाँ बहुत ही important होता है। आइए देखते हैं कितने types का ये हो सकता है asexual reproduction। वैसे कि जो asexual reproduction होता है, my dear students, यहाँ पर आप देखो कि fission, fragmentation, spore formation, budding, regeneration and vegetative propagation. तो ये इतने टाइप्स के आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। फिजन का मतलब क्या होता है? When any organism is split into two or more than parts, एक दो या दो से अधिक पार्ट्स में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, तो इससे अगर दो पार्ट में टूटता है, that means a binary fission। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
अमीबा। अमीबा में क्या होता है कि एक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल होता है एंड दैट विल बी स्प्लिटेड इनटू टू लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स, किसी भी एंगल से प्लेन से टूट सकता है, ओनली टू पैर, या कह सकते हैं टू डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है फिजन में, बाइनरी फिजन में। बट इन द मल्टीपल फिजन द सेल डिवाइड इनटू सेवरल पार्ट्स, और कह सकते हैं सेल स्प्लिट इनटू द सेवरल पार्ट्स एंड ईच पार्ट डेवलप टू द न्यू सेल्स। इसका एग्जांपल है हम लोगों का आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द मलेरिया। मलेरिया को यही प्लाज्मोडियम कॉज करता है और इसके अंदर मल्टीपल फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अब फ्रेगमेंटेशन की बात हम लोग कर लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक्स कर दिया जाए एक्सीडेंटली या फिर किसी और फैक्टर्स के द्वारा बॉडी को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाता है एंड ईच फ्रेगमेंट सपोज दैट दिस ऑर्गेनिज्म इट ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स हैज कैपेसिटी टू ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। दोनों पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। इसका एग्जांपल अगर फ्रेगमेंटेशन की हम देखते हैं तो स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा इज द एल्गी, फिलामेंटस एल्गी। अब ये स्पाइरोगाइरा क्या होता है, ढेर सारे पार्ट्स में ब्रेक कर जाता है एंड ईच पार्ट डेवलप इनटू द न्यू स्पाइरोगाइरा आफ्टर द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होता है, स्पोर एक लिटिल बिट स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा लैमिनेट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है दैट इज जर्मिनेटिंग टू फॉर्म द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल अगर देख लिया जाए तो स्पोर फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो कई टाइप्स के स्पोर्स होते हैं। फर्स्ट इज द जू स्पोर। जू स्पोर क्या होता है कि उसके अंदर फ्लैजेला होता है यानी इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर द जू स्पोर्स व्हिच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड जर्मिनेटेड टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। एंड जू स्पोर्स आर फाउंड इन द क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में ये एक एल्गी होता है, यूनिसेलुलर एल्गी होता है, उसमें जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब कोनिडिया की बात कर लेते हैं। कोनिडिया इज द यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल स्पोर्स, इसके अंदर मूवमेंट नहीं हो सकता। इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम, ये बंचेस के रूप में फॉल सपोज दैट दिस इज द फंगल हाइब्रिड एंड अबाउट द फंगल हाइब्रिड मेनी स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर आर फाउंड दीज आर द कोनिडिया। दिस कोनिडिया जर्मिनेटिंग फॉर्मिंग द न्यू प्लांट न्यू ऑर्गेनिज्म। जेन्यूल्स क्या होता है, जेन्यूल्स स्पंज में पाया जाता है, जो पोरिफेरा के मेंबर्स होते हैं स्पंज में पाया जाता है क्योंकि बॉडी कैविटी जो होती है दिस बॉडी कैविटी इज फिल्ड बाय स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स एंड दैट विल बी द जेन्यूल्स। दिस जेन्यूल्स जर्मिनेटिंग टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। अब बड़े की बात कर लेता हूं, बड़ क्या होता है, जैसे एग्जांपल अगर देखो कि ईस्ट क्या होता है, इसकी वॉल पर एक प्रोट्यूबरेंस अराइज होता है एंड द न्यूक्लियस डिवाइड्स, वन न्यूक्लियस रिमेनिंग इन द पेरेंट सेल, अदर न्यूक्लियस पासेस इनटू द बड एंड दिस आउटग्रोथ इज द बड। दिस बड डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्मिंग न्यू सेल्स, तो दीज आर द बड्स। इसका एग्जांपल आपको बता दिया जाए ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस एंड आफ्टर देन रीजनरेशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी पार्ट अगर अलग हो जाती है तो रिमेनिंग पार्ट्स ग्रो कर जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का कोई भी बॉडी पार्ट मिसिंग हो जाता है किसी भी एक्सीडेंटल वे से तो वो रिमेनिंग पार्ट क्या होता है ग्रो करके फिर से वो ग्रो कर जाता है, तो दैट विल बी द रीजनरेशन। इसका एक एग्जाम्पल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक फ्लेट वॉर्म्स होता है जिसको अगर कई पार्ट्स में अगर ब्रेक डाउन कर देता है कर दिया जाए तो हर एक पार्ट में जो मिसिंग पार्ट होता है वो आपका ग्रो कर जाता है, मिसिंग पार्ट ग्रो कर जाता है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रीजनरेशन एंड द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या है, इट इज 100% ट्रू प्रूफ दैट ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, बट इन रीजनरेशन देयर इज नो गारंटी टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फ्रेगमेंट्स। Sometimes we got the injury और हमारा जो घाव होता है भर जाता है, वो घाव क्यों भरता है, रीजनरेशन के द्वारा। रीजनरेशन के द्वारा ही जो फीलिंग हीलिंग और जो वॉन्ड्स होते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं हायर प्लांट्स होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो हायर प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका मेथड का नाम है आपका दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा, अब वेजिटेटिव यानी प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स के द्वारा, तो अगर देख लेते हैं इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। These structures, bulbils, bulbs, eyes,
लाइजोक्स रनर्स, एगेओ यानी एलोवेरा आप देखते होंगे तो उसमें उसके रूट्स में जो होते छोटे छोटे बड्स बन जाते हैं, इस तरह का दिस इज एगेओ एंड दीज बल्बिल्स बल्बिल्स फॉर्म्स द न्यूकम बल्ब। आपने अनियन और गार्लिक देखा होगा, दीज आर द बल्ब्स। जब कभी हम गार्लिक की बुवाई करते हैं तो उसमें से बल्ब में से एक एक स्ट्रक्चर्स को हटाते हैं, दिन देन उसको सॉइल में पिकअप कर देते हैं, दैट फॉर्म्स द न्यू बल्ब ऑफ द अनियन और गार्लिक। अदर देन पोटैटो, अगर पोटैटो देखोगे आप, दिस वन सपोज इट पोटैटो, इट कंटेन्स द आई लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दिस हैज द आई बड्स। आई बड्स के द्वारा अब यहां पर अगर इसको हम मिट्टी में बो देते हैं तो यहां से इस तरीके से एक लिटिल प्लांट्स अराइज होता है फ्रॉम द आई बड, जस्ट लाइक दिस। तो दिस इज द आई बड, दिस इज आल्सो द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये आप कह सकते हो पोटैटो जो होता है आलू, आलू के अंदर इस तरीके से आप देखोगे ग्रो करता है, दैट इज द आई आई बड। अपर देन जिंजर, जिंजर में क्या होता है राइजोम, जिंजर मतलब अदरक, तुम लोग सब लोगों ने देखा होगा इस तरीके से होता है। तो यहां पर इसकी स्ट्रक्चर होता है इसके टिप पर, ये यहां पर बड्स होते हैं, दीज बड्स ग्रोस टू फॉर्म अ न्यू जिंजर प्लांट, तो राइजोम बोलते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं वो राइजोम बोलते हैं। अपर देन रनर्स, मिंट पुदीना का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, पुदीना क्या होता है अंडरग्राउंड इसके जो आपके स्टेम्स होते हैं ये रनर करते रहते हैं, इसके बीच बीच में रूट्स निकल जाते हैं, दीज आर द रनर्स। तो अपर हम लोगों ने यहां पर क्या देखा, वेरियस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बने रहना। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट मुकेश मौर्या सर, एंड फॉलो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।